हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सारे विटामिन, उनके रासायनिक नाम और उनसे होने वाले रोगों के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि यह सभी हम एक ट्रिक के माध्यम से डिस्कस करेंगे। मुझे पता है आप लोगों को मेरी ट्रिक की वीडियो पसंद आती है, बस आप उसे शेयर नहीं करते, तो आप प्लीज़ उसे शेयर भी किया करिए ताकि मैं मोटिवेट हूँ और आप लोगों के लिए और ट्रिकी वीडियो बनाऊँ, ठीक है। और अभी तक आप लोगों ने यदि ऑनलाइन स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये वीडियो यदि आप लोगों को अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर जरूर करिएगा। आप इस वीडियो की PDF टेलीग्राम से ले सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और अब आप ऑनलाइन स्टडी पॉइंट को फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। इसे हम एक स्टोरी के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आपको सारा खेल इमेजिनेशन का है, आप इमेजिन करेंगे और सारी चीज़ें समझ जाएंगे। मैं आपको समझाने के लिए कुछ नाम इस्तेमाल कर रही हूँ, आप केवल की पॉइंट पकड़ना है, आपको ऑटोमेटिक सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, जैसे कि आप बाकी वीडियो में करते हैं। आपको केवल की पॉइंट पकड़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है विटामिन ए, ठीक है। तो विटामिन ए से आप किसी भी अपने दोस्त का नाम याद कर लीजिए, अमन, अंजलि या कोई भी, जिसका भी नाम ए से स्टार्ट होता है। मैं केवल ट्रिक का की पॉइंट बता रही हूँ। की पॉइंट क्या है, किसी भी एक व्यक्ति का नाम याद करिए जिसका नाम ए से स्टार्ट होता है, आपके फ्रेंड का ही, ठीक है। B1, B2, B3, ठीक है। बी के तीन बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं, तीन। B1, B2, B3, बी के तीन बच्चे हैं। B12 को अभी आप छोड़ दीजिए, मैं जितना बोल रही हूँ केवल उतना ही की पॉइंट पकड़िए, ठीक है। फिर अगला आता है विटामिन सी। सी के लिए आप कुछ मत याद करिए, केवल विटामिन सी ही रहने दीजिए, क्योंकि जितना साउंड है सब सिमिलर ही साउंड ही कर रहा है, आपको इसमें कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट लगाने की ज़रूरत नहीं। जैसे हम ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट याद करते हैं ना, उसी तरह आप डी फॉर याद कीजिए डॉक्टर, ठीक है। डी फॉर आप याद कीजिए डॉक्टर। और के फॉर याद करिए आप क्वीन। क्वी से आता है वो, तो क्यू से आता है क्वीन, लेकिन आप के फॉर क्वीन याद कीजिए। और ई से आप याद कीजिए एक्सपर्ट, ठीक है। क्या याद कीजिए, एक्सपर्ट। ए फॉर किसी व्यक्ति का नाम, बी से बी के तीन बच्चे, B1, B2, B3, फिर डी से डॉक्टर, ई से एक्सपर्ट और के से क्वीन। समझ गए आप? तो चलिए हम समझने की कोशिश करते हैं। आप इमेजिनेशन कीजिए और केवल स्टोरी दिमाग में अपने बनाइए। स्टोरी ये है कि आपका जो ए नाम का फ्रेंड है ना, उसको दिखता ही नहीं है रात में, रतौंधी, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, रात में दिखता ही नहीं है, या तो नींद में चलने की आदत है, उसको बीमारी है, मतलब आप ये समझिए कि रतौंधी है, उसको रात में दिखाई नहीं देता है। तो आप उससे क्या कहते हैं, यार तुझे तो दिखाई नहीं देता, तो एक काम किया करना, तू डेटॉल से नहाया करना। क्या बोलते हैं आप, तू डेटॉल से नहाया करना, तू रेटिनॉल से नहाया करना, समझे आप, डेटॉल रेटिनॉल। तुझे रतौंधी की बीमारी, तुझे दिखाई नहीं देता, तो तू डिटॉल से नहाया करना। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल और उससे होने वाला रोग है रतौंधी, ठीक है। आप लोगों को अभी कंफ्यूज कर रहा होगा, लेकिन बाद में आप जब MCQ सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको सब कुछ याद हो चुका है, ठीक है। अब बी के कितने बच्चे हैं, तीन बच्चे हैं। क्या नाम है, B1, B2, B3। अब आपको इसमें क्या इमेजिन करना है, आपको ये इमेजिन करना है कि जो बी के तीन बच्चे हैं, तीनों को कोई ना कोई बीमारी है। क्या बीमारी है, तीनों को कोई ना कोई बीमारी है। तो बी जो होता है किसी से बताता है कि अरे यार मेरे तीनों बच्चों को कोई ना कोई बीमारी है। जो पहला बेटा है उसको थाई में बीमारी है, उसको बार बार जो है थाई उसका फूल जाता है, थाई मतलब आप समझते हैं जांघ, ठीक है। किसी से बताता है कि जो मेरा पहला बेटा है उसको जांघ की बीमारी है, उसके जांघ में बार बार सूजन आ जाती है। क्या आ जाती है, बार बार सूजन आ जाती है। आप केवल इमेजिन कीजिए, पहले बेटे को है थाई की बीमारी, ठीक है। अब दूसरे बेटे का क्या प्रॉब्लम है, तो दूसरा बेटा ग्रो ही नहीं कर पाता है। ये किसी से बता रहा है, जो बी है किसी से बता रहा है अपने तीनों बच्चों की प्रॉब्लम, तो ये आप केवल इमेजिन कीजिए। तो बोलता है कि मेरा दूसरा बच्चा है जो ग्रो ही नहीं कर रहा है, तुम ही कोई राय बताओ जिससे वो ग्रो कर सके, ठीक है। लेकिन जो तीसरा बच्चा है उसका तो कुछ नया ही सीन है, सबसे हटके है। क्या नया सीन है, कि उसको मानसिक विकार है, यानी कि मेंटल है, वो मानसिक विकार है, यह है उसका नया सीन। आप लोगों को B1, B2, B3 याद ही हो गए होंगे। चलिए रिवाइज करते हैं कि पहला बेटा है उसको थाई की बीमारी है और वो बार बार उसका थाई जो है फूल जाता है। दूसरे बच्चे के बारे में भी बताता है कि यार यार मेरा दूसरा बेटा है जो, उसका तो विकास ही नहीं हो पा रहा, मतलब ग्रो ही नहीं कर पाता, तुम ही कुछ
राय बताओ कि किससे कंसल्ट किया जाए। ठीक है, फिर जो तीसरा बेटा है उसका तो कुछ नया ही सीन है। क्या नया सीन है कि वह मानसिक रोगी है, यानी मानसिक विकार है उसके अंदर। ठीक है, फिर यदि हमको B12 का मैंने बताया नहीं था, इसे मैं बताती हूँ। आप सभी जानते हैं विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। सबको पता है, अक्सर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन से विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो वह विटामिन B12। अब इसका रासायनिक नाम याद करें कि बहुत आसान ट्रिक है। कोबाल्ट पाया जाता है, अब ये देखिए, साइनोकोबालमिन, कोबाल, कोबालमिन, कोबाल्ट, कोबाल, कोबालमिन। ठीक है, बहुत ईजी है। साइनोकोबालमिन नाम है कोबाल्ट का, मतलब इसके नाम में ही कोबाल आ रहा है। कोबाल, कोबाल्ट, बहुत इजी ट्रिक है। अब आपको सी से याद करना है, बहुत इजी है सी से याद करने की ट्रिक। तीनों ही सिमिलर साउंड कर रहे हैं, सी, एस्कॉर्बिक, स्कर्वी। आप सी से कार्बन भी याद कर सकते हैं। मैंने क्या याद करवाया था, ए से किसी फ्रेंड का नाम, बी से 3 बच्चे, सी से आप याद कर लीजिए कार्बन, डी से डॉक्टर, ई से एक्सपर्ट, और के से क्वीन। ठीक है, बस, तो सी से कार्बन होता है। ठीक है, अब सेम साउंड कराना है, तो सी से कार्बन, और इसका रासायनिक नाम है कार्बिक, एस्कॉर्बिक, कार्बिक, एस्कॉर्बिक, और इससे होने वाला रोग है स्कर्वी। ये तीनों ही सिमिलर साउंड करते हैं, सी, एस्कॉर्बिक, स्कर्वी, सी, एस्कॉर्बिक, स्कर्वी। ठीक है, अब अगला आता है हमारा विटामिन डी, विटामिन डी फॉर डॉक्टर। ठीक है, अब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो कोई ना कोई बीमारी लेके जाते हैं। आप क्या कहेंगे, डॉक्टर मैं बहुत रैकेट खेलता हूँ धूप में, तो मैं काला हो गया हूँ। ठीक है, आपको सिर्फ इमेजिन करना है, आपको शब्दों के हाथ पैर नहीं पकड़ने, सिर्फ इसलिए कि आपको याद हो जाए। आप डॉक्टर के पास गए हैं और क्या बोलेंगे, डॉक्टर मैं बहुत रैकेट खेलता हूँ, रैकेट आप समझते हैं बैडमिंटन, मैं बहुत रैकेट खेलता हूँ धूप में इसलिए काला हो गया हूँ। तो डॉक्टर क्या बोलता है, अच्छा तुम कैल्शियम की गोली लो। क्या कहते हैं, तुम कैल्शियम की गोली लो तो तुम गोरे हो जाओगे, क्या हो जाओगे, फेयर हो जाओगे, तुम कैल्शियम की गोली लो, क्या सलाह देता है डॉक्टर। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल, और उससे होने वाला रोग है रिकेट्स। फिर अगला है हमारा विटामिन ई, इसे याद करने की बहुत आसान ट्रिक है। आप सभी जानते हैं, कोई बताने की जरूरत नहीं, कि विटामिन ई की जो कैप्सूल होती है उसका उपयोग सौंदर्य के लिए किया जाता है, यानी कि ब्यूटी के लिए किया जाता है। ठीक है, विटामिन ई, और ई से हमने क्या बताया था, एक्सपर्ट, एक्सपर्ट, तो विटामिन ई, एक्सपर्ट, और ये सौंदर्य से रिलेटेड, सौंदर्य यानी कोई भी क्रीम का प्रोडक्ट ही आप समझने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्रीम का प्रोडक्ट सौंदर्य, तो आप क्या इमेजिन कीजिए, फेयर एंड लवली, फेयर एंड लवली होता है, लेकिन आपको सिमिलर साउंड कराना है, इसलिए फेयर एंड लवली, फेयरल, हम फेयर हो जाएंगे विटामिन ई से, किससे, विटामिन ई से। फिर अगला है हमारा विटामिन के, कैसे आपने क्या याद किया था, क्वीन, क्या याद किया था, क्वीन, और यहाँ पे क्या है, क्विनॉन, विटामिन के फॉर क्वीन, के फॉर क्विनॉन, यानी कि नेफ्थोक्विनॉन, और कैसे आप खून भी याद कर सकते हैं, विटामिन के, क्वीन, खून, ऐसे समझ सकते हैं आप। विटामिन ए जो है उसका जो रासायनिक नाम है क्विनॉन, यानी कि नेफ्थोक्विनॉन है, और इससे क्या होता है, इससे रक्त का थक्का, यानी कि खून का थक्का नहीं जमता, रक्त स्राव होता रहता है। आप लोगों को सारे विटामिन याद हो चुके हैं, विटामिन ए से किसी का नाम, बी के 3 बच्चे, सी से कार्बन, डी से डॉक्टर, ई से एक्सपर्ट, और के से क्वीन। बहुत इजी है, आप समझ चुके हैं। तो चलिए MCQ सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। बेरी बेरी किस विटामिन की कमी का कारण होता है, तो बेरी बेरी, आप जाइए उस बच्चे में, मतलब कि जो 3 बच्चे थे बी के, क्या थे, B1, B2, B3, तो बार बार कौन सा रोग होता है, तो बार बार थाय का रोग होता है, बार बार थाय का रोग होता है, और कौन से नंबर के बच्चे को होता है, पहले नंबर के बच्चे को होता है, विटामिन B1। आपने केवल विटामिन B1 याद किया है, लेकिन आपको रोग भी याद हो गए हैं और रासायनिक नाम भी याद हो गए, सिर्फ की पॉइंट पकड़ने से। आपको सब कुछ याद नहीं करना, सिर्फ की पॉइंट पकड़ेंगे आपको सब कुछ याद होगा। बार बार मेरे बेटे को थाय का रोग हो जाता है, पहले बेटे को होता है, ठीक है, और इसका रासायनिक नाम भी आपको पता चल गया है, इसका रासायनिक नाम है थायमिन। फिर हमारा अगला प्रश्न है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन ए, ए कौन है, आपका दोस्त, वह रात में उसको कम दिखाई देता है, रतौंधी की बीमारी है, तो आप क्या कहेंगे, तुझे रात में दिखाई नहीं देता, तू डेटॉल से नहाया करना, तू रेटिनॉल से नहाया करना, मतलब कि रेटिनॉल है विटामिन ए का रासायनिक नाम। फिर हमारा अगला प्रश्न है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। बहुत आसान है, आपने सी से क्या याद किया है, आपने सी से याद किया है कार्बन, कार्बन, कॉर्बिक, कार्बन, कॉर्बिक, बहुत आसान है याद करना। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है स्कॉर्बिक, और इससे होने वाला रोग है स्कर्वी, सी सी सी,
विटामिन सी एस्कॉर्बिक स्कर्वी, सी एस्कॉर्बिक स्कर्वी, बहुत आसान है। फिर हम चलते हैं विटामिन डी की तरफ। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी से, डी से आपने क्या याद किया है? आपने याद किया डी फॉर डॉक्टर, और आप डी से डी फॉर धूप भी याद कर सकते हैं, क्योंकि आप बोलते हैं ना कि हम तो विटामिन डी ले रहे हैं, धूप में बैठे होते हैं। तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? आप याद कीजिए, आप डॉक्टर के पास जाके क्या बोलते हैं? आप बोलते हैं डॉक्टर मैं धूप में खेलते खेलते काला हो गया हूँ। और आप क्या खेलते हैं? बैडमिंटन। बैडमिंटन मतलब कि रैकेट्स, यानी कि रिकेट्स बीमारी होती है विटामिन डी की कमी से। और बेरी बेरी आप भूलिएगा नहीं, पहले बेटे को यानी कि बी वन को बार बार बेरी बेरी रोग होता है, और कहाँ होता है? थाई में। और विटामिन बी वन का रासायनिक नाम है थायमिन, तो ये भी आप याद रखिएगा। और सी से स्कर्वी, ये तो मैंने अभी ही बताया है। फिर अगला प्रश्न है विटामिन बी ट्वेल्व का रासायनिक नाम क्या है? आप सभी जानते हैं, बताने की ज़रूरत ही नहीं, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो विटामिन बी ट्वेल्व में कोबाल्ट पाया जाता है, सबको पता है। तो आंसर में भी कोबाल्ट पाया जाएगा, यानी कि कोबाल, साइनोकोबाल्मिन नाम है विटामिन बी ट्वेल्व का। फिर हमारा अगला प्रश्न है विटामिन के की कमी से, मतलब विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन के का रासायनिक नाम है, के फॉर आपने क्या याद किया? क्वीन, तो आंसर में भी क्वीन होगा, नेफ्थोक्विनोन, नेफ्थोक्विनोन। और के से आप खून भी याद कर सकते हैं, के फॉर विटामिन के फॉर क्विनोन, और के फॉर खून, इसमें खून का थक्का नहीं जमता विटामिन के की कमी से। फिर हमारा अगला प्रश्न है खट्टे फलों में कौन सा फल पाया जाता है? बहुत सरल क्वेश्चन है, आप सभी जानते हैं, अभी पूछा जाता है। तो खट्टे फलों में पाया जाता है विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक। और इसकी कमी से रोग कौन सा होता है? स्कर्वी, सी एस्कॉर्बिक स्कर्वी, अभी आपने याद किया है। और खट्टे फलों में भी यह सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? यह सबसे ज़्यादा पाया जाता है आंवले में, तो ये भी आप याद रखिएगा। अब हमारा अगला प्रश्न है खून का थक्का किस विटामिन की कमी के कारण नहीं जमता है? तो के से आपने क्या याद किया था? खून, के से खून, के से विटामिन के, और के से नेफ्थोक्विनोन, ठीक है, के से क्वीन। तो खून का थक्का किस विटामिन की कमी के कारण नहीं जमता? यह नहीं जमता विटामिन के की कमी के कारण, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर हमारा अगला प्रश्न है विटामिन ई का संबंध किससे है? ई फॉर एक्सपर्ट, और किस में एक्सपर्ट? ब्यूटी में एक्सपर्ट, ब्यूटी यानी कि सौंदर्य में एक्सपर्ट, विटामिन ए का संबंध है सौंदर्य से। फिर आता है विटामिन डी, फिर आ गया डी फॉर डॉक्टर, हम डी से धूप में खेलते हैं, और डॉक्टर से क्या बोलते हैं? हम धूप में रैकेट खेलते खेलते काले हो गए हैं, तो रिकेट्स बीमारी होती है विटामिन डी की कमी से। और फिर डॉक्टर क्या सलाह देते हैं कि तुम किसकी टैबलेट लो? तो इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगी, इसका आंसर आपको खुद ही पता चल चुका है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिए, और इस ट्रिक के बारे में लिखिए कि आपको ये ट्रिक कैसे पसंद आई, कितनी पसंद आई, और आप नेक्स्ट ट्रिक वीडियो किस बेस पे चाहते हैं, टॉपिक का नाम लिखिए, मैं ज़रूर उस टॉपिक पे वीडियो लाने की कोशिश करूंगी। और ऑनलाइन स्टडी पॉइंट को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।